आखिरकार किस आधार पर कांग्रेस ये चुनाव लड़ रही है? इस लोकसभा चुनाव में अभी तक जिस तरीके से चुनाव का प्रचार, चुनाव की कमान, चुनाव में जो एक जोश दिखना चाहिए वो आपको कहां दिखाई दे रहा है? अगर आप फौरी तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस चुनाव लड़ भी रही है या नहीं लड़ रही। कांग्रेस की चुनावी कमेटियां जो 2019 में, उसके पहले 2014 में, उसके पहले 2009 में, उसके पहले 2004 में बनाई जाती थी, वो कहां है? ऐसी वो तमाम कमेटियां कहां है जिसमें वरिष्ठ नेता हुआ करते थे? आज सिर्फ एक इलेक्शन कमेटी है जिसमें बहुत चुने हुए नेता हैं। कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो अलग अलग इलेक्शन कमेटी पैनल्स में हुआ करते थे, आज वो नहीं है। कांग्रेस ने सुचारी चुनावी अभियान भी शुरू नहीं किया है। ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस इस बात को लेकर तैयार ही नहीं है कि उसे चुनावी अखाड़े में उतरकर अपने आप को एक बड़े पार्टी के तौर पर प्रस्तुत करना है। कोई चुनावी समन्वय समिति नहीं बनाई गई है। इस बार कांग्रेस ने सिर्फ एक टास्क फोर्स बनाया है जिसका नाम रखा गया है टास्क फोर्स 2024। इसकी अध्यक्षता अजय माकन कर रहे हैं। ये कैंपेन कमेटी है जिसके भीतर कैंपेन की तमाम अभियान के जो कैंपेन, चुनावी कैंपेन के तमाम अभियान के जो निर्णय लिए जाने हैं वही लिए जा रहे हैं। लेकिन इस कैंपेन कमेटी में अभी तक कोई भी हलचल आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। जैसा कि मैं आपको बता सकता हूं, अभी तक जो बातें सामने आ रही हैं, कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रचार माध्यमों को आगे बढ़ाने के लिए किसी एड एजेंसी को फाइनलाइज तक नहीं किया है। वो तमाम लोग जो कांग्रेस के एड्स को अपने पास चलाना चाहते हैं, जिन्हें उम्मीद थी कि शायद कांग्रेस का एड मिलेगा और उसके आधार पर वो अपने प्रचार प्रणाली को आगे बढ़ाएंगे, उनमें से किसी के पास अभी तक कोई जानकारी नहीं है। एक वक्त हुआ करता था जब अहमद पटेल, जनार्दन द्विवेदी, मधुसूदन मिस्त्री, जयराम रमेश, सब तमाम शामिल हुआ करते थे, लेकिन आज ऐसी कोई कमिटी बनी नहीं है। कोई भी प्रॉपर अभियान शुरू नहीं हुआ है। कोई शीर्ष पैनल अभी तक बना नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कांग्रेस अभी भी उहापोह की स्थिति में है। प्रचार करें तो कैसे करें? अगर वरिष्ठ नेताओं की यात्राओं को सामने करना है तो उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? हेलीकॉप्टर चार्टर करने हैं, प्लेन चार्टर करना है, उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी ऐसा लग रहा है जैसे वहां कोई जानकारी ही नहीं है। और ये बातें इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेता आज ये सवाल कांग्रेस के भीतर पूछ रहे हैं। इनमें से कई नेताओं ने, जो कि अपना नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहते, ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार कैंपेन कमेटी कब बैठेगी, कब तय होगा कि कहां कैसे प्रचार किया जाएगा, प्रचार की लाइन क्या होगी, कौन कौन से प्रचारक जो इंपॉर्टेंट प्रचारक हैं वो कहां कहां जाएंगे, कैसे कैसे प्रचारकों का तालमेल बैठाया जाएगा, पार्टी हाईकमान से लाइन कैसे होगी, पार्टी हाईकमान किसे कहां कैसे भेजना चाहती है, ये तमाम सवाल आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खुद एक दूसरे से पूछ रहे हैं। ऐसी स्थिति क्यों आ रही है? इस पूरे परिदृश्य को जब आप थोड़ा सा अलग से उठकर देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कांग्रेस, जो कि अभी सीट फाइनलाइजेशन में ही बहुत बड़े पैमाने पर अटकी है, अपने गठबंधन को अभी भी एकजुट करने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है और अपने आप को किसी तरीके से रेस में लाने की कोशिश कर रही है। शायद उसने ये मान लिया है कि शायद वो रेस में उस तरीके से है ही नहीं। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि हम तैयारी 2024 की नहीं 2029 की कर रहे हैं। ऐसा पहले भी हुआ है जबकि कांग्रेस एक के बाद एक लगातार हार झेलती रही है। वो दौर भी था जब 3 बार कांग्रेस ने एक के बाद एक हार झेली थी, 1996, 1998 और उसके बाद 1999। 3 लोकसभा के चुनाव कांग्रेस ने हारे थे। इसके बावजूद कांग्रेस की कमेटियां हमेशा तैयार रहती थी। रैलियां कहां होने वाली हैं, कैसे होने वाली हैं, कौन किस रैली को एड्रेस करने जा रहा है, इसके लिए पहले से विचार मंथन हुआ करता था, टास्क फोर्स बना करता था, लोगों को पहले से नियुक्त किया जाता था कि किस कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन आज एकदम सन्नाटा है कांग्रेस के भीतर। इस सन्नाटे को देखते हुए अब जो तमाम टीकाकार हैं वो इस बात पर टिप्पणी करने लगे हैं कि क्या कांग्रेस वाकई में इस चुनाव को सीरियसली ले भी रही है, और अगर नहीं ले रही तो क्या ये एक तरफा चुनाव होने जा रहा है? आप कहेंगे ये कैसी बातें हैं। एक तरफा चुनाव होता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है कि जब आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार के अभियान को
कितने बड़े पैमाने पर सामने रखा है। कांग्रेस पार्टी ने जैसे ही राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को खत्म किया, उसके बाद से आपने कोई भी जनसभा के आयोजन की बात देखी? लेकिन इसके ठीक विपरीत आप देखिए, नवंबर दिसंबर 2023 से ही, चाहे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, गृहमंत्री अमित शाह की बात करें, तमाम अन्य वरिष्ठ नेताओं की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, नितिन गडकरी जी की बात करें, ये तमाम नेता लगातार जनसंपर्क अभियान में जुड़े हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं। 31 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली मेरठ में होने वाली है, जो कि प्रचार को आगे बढ़ाने वाली है। और ये सब इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार इलेक्शन मोड में दिखाई दे रही है, एक मोमेंटम दिखाई दे रहा है और जनता के बीच में इस मोमेंटम को लेकर उत्साह भी है। एक पार्टी है जो अपने चुनाव प्रचार को लेकर बड़े पैमाने पर आगे है। कांग्रेस टीका टिप्पणी करती है या फिर अन्य विपक्षी दल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो एक इलेक्शन मशीन है, 24 घंटे इलेक्शन के लिए तैयार रहती है, लेकिन चुनाव तो ऐसे ही जीते जाते हैं ना। अभी तो स्थिति यह है कि 200 से भी ज्यादा सीटों पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में आमने सामने का मुकाबला है। मसलन अगर आप बात करें हिमाचल प्रदेश की, आप बात करें उत्तराखंड की, आप बात करें गुजरात की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने हैं। ऐसे में भी इन राज्यों में आप कोई सुगबुगाहट देख पा रहे हैं? दूसरी तरफ जहां देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक बड़े पैमाने पर सामने दिखाई देते हैं, चुनाव में व्यस्त हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस तरीके से आज कांग्रेस की नैया जरा डगमगाती दिख रही है, कहीं तैयारी ऐसी तो नहीं कि चुनाव के पहले ही हताशा दिख रही है? और अगर ऐसा हुआ तो यह अपने आप में भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि फिर ये एक तरफा चुनाव होगा और ये आजादी के बाद पहला मौका होगा जहां कोई सक्रिय कारगर विपक्ष नहीं बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी ही अपना अभियान करती दिखाई देगी। क्योंकि अगर आप छोटे दलों को भी देख रहे हैं, जो हम कहते हैं कि राज्य स्तर पर मजबूत दल, जैसे कि समाजवादी पार्टी, जैसे कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी जिन्होंने अपना कैंपेन शुरू कर दिया, डीएमके, एमके स्टालिन चुनावी मोड में है, सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, बंगाल में ममता बनर्जी को देखिए किस जोरदार तरीके से सामने है, आप आंध्र की बात करें जहां जगन रेड्डी ने चुनावी बिगुल बजा दिया है, रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी अपनी तैयारियां कर चुके हैं, उनके प्लान सामने हैं। लेकिन जैसे ही आप कांग्रेस की बात करते हैं, यहां एक शांति दिखाई दे रही है और ये शांति अपने आप में बहुत ही गंभीर है।